तो अभी शाम का समय है और आज जाना है मुझे शादी में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया पिछले ब्लॉग में, या नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ कि यस मैं जा रही हूँ शादी में। किसकी शादी है? ससुराल की साइड की शादी है। तो मैं थोड़ा फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और मैंने मेकअप खुद से ही मैं करने वाली हूँ। एंड इधर मैंने पूरा अपना सामान निकाला पहनने वाला, क्या पहनने वो थोड़ा सा पहन लेती हूँ तो फिर मैं मतलब मिलती हूँ। एंड अभी मैं जस्ट लगाने वाली हूँ लेंस। पता है लेंस मैंने काफ़ी टाइम बाद लगाया है, बिकॉज मैं वीडियो वीडियो जब करती थी तब मैं ज़्यादा लेंसेज लगाती थी, बट इधर मैंने थोड़ा शुरुआत लगा के देखते क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने लगाया भी नहीं था। एंड मैं लेंस लगा लेती हूँ। एंड आप लोग किस कौन कौन किसको किसको लेंस पसंद है बताइएगा ज़रूर। बहुत इजीली मैं लेंस लगा लेती हूँ, बट यहाँ पे हुआ गया था ना जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मेकअप का, तब का वो लेंस तो शायद एक्सपायर हो गया था और वो लगाने के बाद इतना प्रॉब्लम कर रहा था, सो मैंने उसको बाद में हटा दिया था। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। खुशी पिन नहीं लगी सही क्या बेटा? इस ब्लॉग में होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये लुक मेरा कैसा है मैं बैक कैमरे से पूरा दिखाती हूँ और मेरा मेकअप कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेक श्योर चैनल फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, हॉर्न बजना से चलते मिलते हैं डायरेक्ट आपसे पार्टी में। तो ये मैंने पहनी साड़ी और ये साड़ी इस टाइम काफी ज्यादा ट्रेंड में, तो मैंने कहा ट्रेंड का फायदा क्यों ना मैं भी उठा लूँ, तो मैंने भी इस तरीके से कुछ वेयर किया, इस तरीके से स्टाइल बनाया। और ये कंगन कंगन मतलब कैसे लगे पूरा सब कुछ बताएगा कमेंट में कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट पार्टी में। सब लोग रेडी हो चुके हैं? यस। खुशी दीदी कहाँ गए? ये देखिए ये रहे साई, ये रहे शुक्ला फैमिली, मैं शुक्ला और मेरे हस्बैंड डायरेक्ट वही हैं पार्टी वेन्यू पे, क्योंकि किसकी शादी है वो थोड़ा आगे बता रहे हैं, क्योंकि वो पहले से किसकी शादी है वो आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी। एंड वो पहले से क्यों गए हैं क्योंकि थोड़ा सा अरेंजमेंट वगैरह देखी थी, इसलिए वो सुबह ही चले गए थे, सुबह से ही आई, कल से लगे हैं, कई दिनों पहले से लगे, बट आज तो मॉर्निंग से वहीं हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको उनसे वहां पर मिलवाती हूँ और ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बताइएगा कमेंट में मेरा लुक कैसा लगा। तो मिलते हैं डायरेक्ट आपसे वहीं पे, सो चलते हैं। फैमिली मेरी जो है फुफुआ सास है, उनकी लड़की की शादी है, बट मैं घर नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट हॉल में जाऊंगी जहाँ पे मतलब शादी है। तो घर जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि सारी फैमिली जितनी मेरी मम्मी पापा सास ससुर मतलब सब लोग आए हैं वो सब लोग वहीं पर हैं, तो डायरेक्ट मैं भी आपसे वहीं पे मिलती हूँ। एंड यस घर जाने का कोई मतलब नहीं है, और शायद मैं मतलब नेक्स्ट डे का जो आप ब्लॉग देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि मैं घर जाऊंगी, ठीक है। फैमिली जब ब्लॉग बनाने में कब मजा आता, जब आप लोग प्यार देते हैं और मतलब चीजों का रिस्पांस मिलता तब काम करने में मजा आता। आई नो स्टार्टिंग से मैंने काम किया मुझे रिस्पांस नहीं मिला, बट धीरे धीरे आप लोगों का प्यार और रिस्पांस मिल रहा है, इस वजह से मेरा मन भी लग रहा है काम करने में। तो बस इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ पर मैं रुकी हूँ गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। सो बस पहले मैं सोचा था कि मतलब अगर और कोई फंक्शन मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगी, बट मैं किसी फंक्शन में गई नहीं है, मुझे बुलाया नहीं गया, ये मुझे नहीं पता ऐसे क्या हुआ। तो और कुछ तो ब्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपके साथ शादी का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एंड पार्टी की वेन्यू पे पहुंचने की जो मुझे खुशी थी उससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मैं वहां सबसे मिलूंगी, और काफ़ी टाइम बाद मिलने की जो वो खुशी थी ना वो चीज़ मैं अपने शब्दों में यहां नहीं बता सकती हूं। वहां पे जब जैसे मैं पहुंचती हूं गाड़ी से उतरती हूं, मैं पहले अपने ससुराल की सारी फैमिली को ढूंढने लगती हूं, मतलब अपनी मम्मी को, अपनी नंदों को, और जो मेरी जिनकी शादी में मैं गई थी यानी कि मेरी फुफुआ सास, तो उनकी जो मतलब लड़कियाँ हैं वो भी मेरी नंद हैं सब। तो उन सबसे मिलने के लिए ना मतलब एक अलग से मन में बेचैनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं मिले थे, इवन 4-5 साल बाद मिले थे ना, तो वो मिलने का एक एक्साइटमेंट लेवल ना बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे था कि मिलते ही हम उनको देखेंगे। तो यहाँ पे सबको देखने दिखाने वाला काम है, और यहाँ पे ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है ना कि ऐसी पूरी फैमिली आपको एक ब्लॉग में देखने को मिलेगी, जो कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्राउड मोमेंट है कि मेरी फैमिली मेरे ब्लॉग में है और ये हमेशा एज अ मेमोरी मेरे साथ रहने वाली। तो यहाँ पर सब लोग मेरे ब्लॉग में आने के लिए मतलब ये रहता है कि हाँ हर कोई बहुत ईजिली बहुत कम्फर्टेबल रहता है, बहुत कमी होते जो मेरे ब्लॉग में आना नहीं चाहते हैं। फाइनली यहाँ पर आप सभी को पता चल जाता है शादी किसकी है, तो हाँ जी शादी मेरी नंद की मतलब मेरी फुफुआ सास हैं, उनकी सबसे छोटी वाली बिटिया की शादी थी और हम सब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मैंने जैसा आगे बताया हस्बैंड ऑलरेडी वहाँ पर थे, और ये मेरा मतलब ऐसा ब्लॉग होगा ना जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली आपको देखने को मिलेगी, पूरी फैमिली, सिर्फ मेरे छोटे वाले जेठ और जिठानी नहीं, बाकी मेरे ससुराल की पूरी फैमिली, मेरी बड़ी वाली नंद, मेरी छोटी नंद, मेरी सास, मेरे ससुर,
मेरी जिठानी और मेरे फुफुआ सास की पूरी फैमिली, आपको जो है सबको अगले वाले वीडियो में अच्छे से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बिकॉज इस वीडियो में मैं जाती हूँ और खाती पीती हूँ। देख रहे हैं आप, मैं भी इंजॉय ही कर रही थी तो यहाँ पर, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है ना, जैसे यूट्यूब पर हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो भी कुछ मुझे मिलता है या आगे चल के मैं डिज़र्व करती हूँ ना, वो सिर्फ मेरी मेहनत का होगा, किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी इंसान का। इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, इसमें जितना कुछ जो कुछ एफर्ट है, आगे टाइम तक मेरा चैनल चलता है या बंद होता है आई डोंट नो, बट जितना भी जो भी कुछ है, मेरी मेहनत से मैं यहाँ तक आई हूँ। और सब लोग जब बोलते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप चैनल पे है, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इवन बच्चे तो बच्चे, जब कोई हमसे हमसे बहुत बड़ा, छोटे तो छोटे, हमसे जब कोई बहुत बड़ा बोलता है कि मैं तुम्हारी वीडियो का वेट करती हूँ, जैसे कि मेरी मतलब नंद है फुफो सास की बिटिया, उनकी सास ने मुझसे जब बोला कि मैं तुम्हारी वीडियो का वेट करती हूँ, तो दिल, आप सोचो ना, ऐसा लगा कि 2 साल का जो मेरा मेहनत था ना, वो एकदम ऐसा लगा कि किस लेवल पे मैं जाके पहुँच गई। मैं वो चीज़ आप लोग को शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। तो बस अगर आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं, मुझे इतना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही मतलब मुझे प्यार दीजिए, ताकि मैं आगे मोटिवेट रहूँ, लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखा पाऊँ, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। बस मेरी यही दिल से तमन्ना है। और क्या ही मैं बोलूँ, सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, वहाँ पे जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था ना, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। आई नो मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ अभी, ये मुझे पता है, बट आप लोगों ने इतना मुझे फील कराया, उसके लिए थैंक यू। ये येलो कुर्ते में जो है वो है मेरे फुफुआ सास के बेटे, जो कि ये बिल्कुल इकलौते हैं, 3 बहनों पे ये अकेले भाई हैं। तो भैया को काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग पड़ गई थी, और जॉब के साथ साथ अकेले इतना कुछ कर पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, सब मेरी यूट्यूब और मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। तो ये है हमारी 90s की हीरोइन, मेरी वंदना दीदी, मेरी नंद। ये रही रेड साड़ी में आगे मेरी फुफुआ सास की बिटिया, मतलब मेरी नंद, जो कि ये 90s की हीरोइन वाला लुक हमेशा देती हैं। और ये रही इनकी सास, जिनके साथ मैं फ़ोटो खिंचा रही थी, वीडियो बना रही थी, यही बोल रही थी कि आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, तो थैंक यू। ये रही यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है, जो कि ये भी ब्लॉग देखती हैं, मम्मी, मैं, बड़ी ली नंद मेरी। और यहाँ पे उस टाइम ये माहौल था, घर की सारी बच्चियाँ डांस कर रही थी, और यार डांस करना तो जानते हो कितना मुझे पसंद है, बट ससुराल वाला मैटर था कि नहीं भैया डांस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई और करता ना तो साथ में लग के कर देते, बट कोई नहीं कर रहा था, तो फिर मुझे ही मतलब अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि जो आपने इज्जत बनाई है, जो इज्जत आपने कमाई है ससुराल की नज़रों में या मायके की नज़रों में ना, वो एक झटके में टूट जाती है, अगर थोड़ी सी भी हमसे कहीं मिस्टेक हो जाती। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही थी। बाकी आप चलिए डांस को एंजॉय करिए, और थोड़ा सा स्पीड मोड में रहेगा, बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डांस को मैं स्पीड में कर देती हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। I'm gonna go get some more.
सबसे ज़्यादा ऑरेडिबल मोमेंट मेरे लिए ये है जब मेरा बेटा साई नाच रहा था, क्योंकि साई कभी डांस नहीं करता, रेयर टू रेयर होता है जब साई कभी डांस। मैंने तो फिलहाल हार्डली टू एक या दो ही बार, मतलब हार्ड टू हार्ड देखा, बाकी बहुत ज़्यादा मैंने साई को डांस करते नहीं देखा। तो मुझे लगा साई डांस कर रहे हैं, साई के साथ साथ और भी बच्चे कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक मोमेंट बन जाएगा जब साई बड़ा होगा ना, तो भी वो भी ब्लॉग देखेगा कि मम्मी हाँ मैं ऐसा था, ऐसा करता था ना। क्योंकि ऐसे मेरे पास कोई मेमोरीज मेरे बच्चों की नहीं है, तो बस यहाँ पे आ जाता वो टाइम कि जो होता दूल्हे जी हमारे आ चुके हैं और यहाँ पे हो रहा था द्वार पूजा। द्वार पूजा मतलब आई थिंक पता ही होगा सभी को, सबके यहाँ अलग अलग होता बट चीज़ें एक ही जैसी होती। तो ये हमारे यहाँ इस तरीके से द्वार पूजा हो रहा है, जो कि हमारे हस्बैंड और सब लोग ने मिल के, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया, ये मेरे ससुर जी हैं, मेरे नंदोई, मेरी पूरी फैमिली आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मैंने कहा था कि मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैंने इसी में सब कुछ बता दिया कि सारी फैमिली मेरी इसी फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा। तो होप करती हूँ ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर द्वार पूजा कराने के बाद दूल्हा राजा अंदर जाएंगे और दूल्हे राजा हमारे कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और दुल्हनिया से मुलाकात आपको इसी वीडियो में हो जाएगी, तो बताइएगा कौन ज़्यादा अच्छा लगा। और ये रहे हमारे हस्बैंड पूजा कराते हुए। चलिए थोड़ा सा म्यूजिक को लगा देते हैं, क्योंकि इस जगह पे वही मंत्र वंत्र हैं, तो आप चाहो तो सुन लो, अदरवाइज मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, या अदरवाइज आप मेरी बातें ही सुन लो, वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। होप मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। को थोड़ा सा रोकते हुए मैं अपनी वॉइस ओवर करूंगी और यहाँ पे मैं अपने रिचुअल्स के बारे में बताऊंगी कि हम लोग के रिचुअल्स इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर मतलब किसी और के रिचुअल्स बेकार होते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस स्पेशली बोल रही हूँ कि जो रिचुअल्स होते ना हमारे इसमें, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से होते हैं। हर एक रिश्ते की बहुत मान मर्यादा होती है हमारे रिचुअल्स में। हमारे यहाँ मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता, चाहे वो दूल्हा हो चाहे वो दूल्हे के रिलेटिव्स हों। तो यहाँ पर आप देख सकते बाकायदा आरती वगैरह की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये एक अच्छा लगता है कि चलो हमारे जो मतलब हमारे जो भी लोग हैं वो आए, तो उनको इस तरीके से मान सम्मान मिला है। आप समझ सकते हैं कि मैं शायद उतने डिटेल में ना समझा पाऊँ, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हमारे रिचुअल्स में ही आता है। तो यहाँ पे जनेऊ मतलब छुआना इसको होता है। अब पूरा प्रॉपर क्या है वो मुझे भी नहीं पता, बट पापा और चार पाँच लोग मिल के इसको जनेऊ छुआ के पहनाना होता है लड़के को। तो वही यहाँ पर सारे हमारे रिचुअल्स हो रहे हैं। और हमारा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी हिम्मत आप लोग हो, आप ही लोग से, आप लोग की हिम्मत की वजह से मैं अभी तक YouTube चैनल पर रुकी हुई हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक शॉर्ट को छोड़ के मेरी लॉन्ग वीडियो एक भी वायरल नहीं हुई। वायरल हुई हैं 1.4 पे, 1.2 पे, 1.3 पे, ऐसे करके वायरल हुई हैं, 2K तक वायरल हुई, लेकिन मैं चाहती एक मतलब ऐसे लेवल पे वायरल हो ताकि मेरा नाम और फेम हो, लेकिन आप लोग ही हो जो मुझे आगे ले जा सकते हो। क्योंकि कभी कभी हिम्मत टूट जाती, लेकिन जब हिम्मत मेरी कब वापस आती, आप लोग की कही हुई बातें मुझे एकदम माइंड में मेरी क्लिक करती कि नहीं अगला मेरी वीडियो का वेट करता। और मेरी वीडियो इतनी लेट क्यों हो रही है ना, पता है सिर्फ इतना था, मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कभी कभी कि इतना मैं मेहनत करती हूँ, पिछली वीडियो पर आप लोगों ने बिल्कुल प्यार नहीं दिया। इस टॉपिक पर मैं बात करूँगी, बट अभी ये वो सही समय नहीं है बात करने का, बहुत जल्द मैं इस पर बात करूँगी। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग का सेकंड पार्ट आएगा बहुत जल्द। सो ब्लॉग उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा, नया तो चैनल पे सब्सक्राइब।